नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर पे, जहां हम एडमिशन्स, एग्जामिनेशंस, वैकेंसीज के रिलेटेड जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होते हैं और अपडेट्स होते हैं उनके जो एप्लीकेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए आप सबके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जानकारी के लिए हमारे जो दो अलग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि अलर्ट सर्विस और कम्युनिटी फोरम का, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की डिप्यूटी मैनेजर टेक्निकल की फील्ड में और अन्य 18 पदों के बारे में, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से होंगे। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं पहले क्या क्या पदे अवेलेबल है आप सबके लिए अप्लाई करने के लिए। तो डिप्यूटी मैनेजर टेक्निकल में, डिप्यूटी मैनेजर इलेक्ट्रिकल में, डिप्यूटी मैनेजर सिविल, डिप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग में, डिप्यूटी मैनेजर फिनेंस, डिप्यूटी मैनेजर लीगल, डिप्यूटी मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में, सीनियर मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में, डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, सीनियर मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, डिप्यूटी मैनेजर सिक्योरिटी में, मैनेजर सिक्योरिटी में, सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी में, डिप्यूटी मैनेजर नेटवर्क में, मैनेजर डेवॉप्स में, और मैनेजर आईटी में भी, और सीनियर मैनेजर आईटी में। तो काफ़ी सारे पदे हैं दोस्तों, और ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप जल्द से जल्द अपना एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ी पैटर्न एंड एक्सचर या पोस्टिंग के संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो आप नीचे देखिए जो स्क्रीन पे ये अटैचमेंट्स देख रहे हैं दोस्तों, इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, हिंदी एडवर्टाइजमेंट की, इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इसे गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म जैसे कि alert.exampathfinder.com जो है, वहाँ पर भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। और इसे इवेंट को सर्च करके आपको ये यहाँ पे अटैचमेंट्स दिख जाएंगे, जिसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैकेंसी है 69। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत काफ़ी सारी वैकेंसीज़ है, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करना शुरू कर दें। और अधिकतम आयु सीमा जो है वो रखी गई है 34 वर्ष तक की। और जो लास्ट डेट है दोस्तों एप्लीकेशन की, वो है 23/2/2022। तो आप उससे पहले अपनी एप्लीकेशन फॉर्म्स भर दें। अगर आपको दोस्तों इस इवेंट के संबंधित और भी कोई डाउट्स या इन्फॉर्मेशन चाहिए और डाउट्स क्लियर करना हो, तो आप हमारे फॉरम पे भी विजिट कर सकते हैं, जो कि community.exampathfinder.com है। तो हमारा जो फॉरम है दोस्तों, इसकी आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी गई है। तो यहाँ पे जाते ही जब आप स्क्रॉल करके सबसे लोअर सेक्शन में आएंगे, तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा राइटर रिप्लाई का। ये बॉक्स आपके लिए बहुत ही सहायतामंद है दोस्तों। आप यहाँ पे जाकर कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, जो भी इवेंट रिलेटेड आपको पूछनी हो, और आप हमारी कम्युनिटी के साथ यहाँ से पोस्ट करके यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट्स क्लियर करना हो, यहाँ पे लेके आप पोस्ट कर दें और हमारी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करके उसे आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं एक बार। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी चीज़ों की डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, और कौन से कैटेगरी में कितनी सीट्स है और कितनी वैकेंसीज़ है, सारी चीज़ों का यहाँ पे आपको पदों के हिसाब से सब डिटेलिंग कर दी गई है। इम्पॉर्टेंट जो नोट्स है, इसे भी आप गो थ्रू कर सकते हैं दोस्तों अपनी एप्लीकेशन जो फॉर्म है उससे भरने से पहले। और एप्लीकेशंस की जो प्रोसेस है और इम्पॉर्टेंट डेट्स है, यहाँ पे वो सारी चीज़ भी आपको मेंशन कर दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि नॉर्मल एज ग्रुप कितना होगा और अपर लिमिट एट कितना होगा, अपने जो रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है उनके हिसाब से, वो सारी चीज़ों की भी आपको यहाँ पे डिटेलिंग मिल जाएगी दोस्तों। और इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी आपको यहाँ पे दे दी गई है, सारी चीज़ों की आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल्स दे दी गई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो डिटेल है, प्रोसेस फॉर फिलिंग अप सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपको कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए इनके वेबसाइट यानी कि www.realteliandia.com इस पे विज़िट करना होगा, या फिर आप इस पे भी विज़िट कर सकते हैं https/realtel.cbt
TExam.in पर, तो इन दोनों वेबसाइट पे आप विज़िट कर सकते हैं और एप्लीकेशंस सबमिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन फ़ीस के साथ, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए कि आपको पेमेंट ऑनलाइन मोड पे करनी होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग UPI के साथ। और आपको अपलोड करना होगा स्कैन फोटोज, स्कैन सिग्नेचर, स्कैन लेफ्ट थंब की इंप्रेशन, सारी चीज़ों की आपको डिटेलिंग यहाँ पे मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले से गो थ्रू कर सकते हैं। तो ऑफिशियल जो इनकी वेबसाइट है वहीं पे जाके आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ, और कोई भी मोड से इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों जल्द से जल्द अप्लाई करना शुरू कर दें और मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज की वीडियो पे बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपकी ये वीडियो, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही फर्दर अपडेट्स पाते रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। धन्यवाद।